चंदौली में लतीफ शाह बांध पर इन दिनों प्राकृतिक का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां बारिश की वजह से बांध का पानी वाटरफॉल की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल जिले के नक्सल प्रभावित चकिया के पहाड़ी इलाके और नौगढ़ के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण अब पानी मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रहा है, जिसके कारण लतीफ शाह बांध में पानी काफी भर गया है और ये पानी बांध के ऊपर से नीचे गिरने लगा है। पानी के फ्लो का ये नजारा देखते ही बन रहा है। इस अद्भुत नजारे का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। हालांकि लोगों को पास जाने की मनाही है, दूर से ही आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, तो आज बाबा के दर्शन भी हो गया और झरने का सुकून जो पहाड़ी एरिया में ही मिलता है, और बच्चों को भी टहलाने का जो इतना दिन से कोरोना काल में रुका हुआ था, बच्चों का ख्वाहिश भी पूरा हो गया। यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिला है। काफी सुना था यहाँ के बारे में, आने के बाद यहाँ पे देखा यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अविस्मरणीय और अद्भुत नज़ारा यानी कि देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, और सोच के आए थे उससे काफी ज्यादा सुंदर दृश्य जो है देखने को प्राप्त हुआ है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए चंदौली के आसपास के जनपदों के साथ ही पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से और पूर्वी बिहार से भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। हालांकि इस दौरान कई घटनाएं भी बीते कुछ महीनों में हो चुकी हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन ने थोड़ी चुस्ती दिखाई है। इस कारण सैलानियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। वर्तमान में लतीफ शाह बांध के ऊपर लगभग 7 फीट की ज्यादा ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है और ये दृश्य अपने आप में काफी मनभावन और रोमांच पैदा करने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।